तो दोस्तों इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, स्टार्ट करने के बाद कोड आता था बूस्ट प्रेशर सर्किट का, सेंसर वगैरह का करके, और मेन प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 3000 से ऊपर आरपीएम नहीं जा रहे थे। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। एंड उसमें मैंने देखा था कि टर्बो फॉल्टी है इसका, ठीक है, टर्बो फॉल्टी था, और मैंने उनको बोला पहले टर्बो रिप्लेस होगा। टर्बो पीछे यहाँ लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पर पूरा EGR वगैरह सारी चीज़ें लगी रहती हैं, एंड ये टर्बो के ऊपर ये वाल रहता है ये, ठीक है। इसको ब्लो बाई वाल भी बोल देते हैं, गेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्बो यहाँ लगा रहता है, खोल दिया है, एंड देखिए कितना गंदा यहाँ हिसाब किताब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है मामला इधर तो। एंड अभी टर्बो खुल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन है पुराने टर्बो की। तो पुराना टर्बो ये है फ्रेंड्स, अभी क्या होगा, ये जो लगा रहता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, ये दो बोल्टों पे टाइट रहता है, एक स्टड ऊपर की तरफ रहता है यहाँ पे। एंड यहाँ से देखिए इस तरफ से गैसें जाती हैं, एंड यहाँ पुली देख रहे होंगे, अंदर दिख रही है पुली सी, ये जो है यहाँ पर है ना, तो ये रोटेट होती है, घूमती रहती है। एंड इस तरफ भी ये मिलेगी आपको, ये है ना, ये है ना, तो ये घूमती है दोनों तरफ ऐसे, और इस तरफ भी आपको मिल जाएगी देखने के लिए, ये देखिए यहाँ पर भी है ना, ये देखो। तो मैं इसलिए इसको चेंज करा हूँ, देखिए कितनी बुरी हालत इसकी हो गई है, प्रॉपर रोटेट नहीं होगा तो कैसे आरपीएम अप डाउन होंगे, मतलब बढ़ेंगे, ओके कैसे आएंगे, ठीक है, इतनी बुरी हालत इसकी हो गई है। अभी क्या है, ये टर्बो मुझे फॉल्टी लगा था, मेरी एक आदत है मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, उस पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद मुझे टर्बो में इशू लगा, एंड मैंने टर्बो के लिए बोल दिया कि टर्बो चेंज होगा। तो अभी मैं आपको नया टर्बो भी दिखाऊंगा, ठीक है, एंड नया टर्बो में क्या कंडीशन रहती है, इसी तरह ये इस तरीके की रहती है प्रोपेलर की नहीं रहती, वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्लियर हो जाओगे, मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ टर्बो का ही इसमें इशू मिला। ये इस तरफ से थोड़ा ठीक है ना, हल्का सा ठीक है, बट दूसरी तरफ की तो बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई है। इसके लिए क्या क्या फिटिंग खुलती है वो मैं दिखा देता हूँ, पूरा ऊपर से एयर फिल्टर वगैरह सब निकल जाता है, ठीक है ना, एंड टैपेट कवर के बिल्कुल पीछे जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो सारी चीज़ें खोल के रखी हुई है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले लेते हैं EGR वाल से, ये होता है EGR 110 गाड़ी का, ठीक है, 85 नहीं है ये, 110 है, ठीक है, तो ये EGR इसका इस तरीके का होता है। एंड ये लोहे वाला जो होता है ये ओरिजिनल होता है, ठीक है, प्लास्टिक में भी आता है बट उसको कुछ वैसा बोल देते हैं। ये पाइप हो गया इसका, ठीक है, एयर इसके अंदर से चलती है, एंड ये इसका बेंजो पाइप बोल देते हैं इसको, बेंजो पाइप, ठीक है, ये खुल गया। एंड ये इसकी, ये है सबसे मेन चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, कंसर्न आता है बहुत सारे लोगों का, कमेंट आते हैं सर हमारी गाड़ी में जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो साइलेंसर के पीछे कुछ स्टीम टाइप ब्लू ब्लू टाइप धुआं आता है, ठीक है, वो क्यों आता है, तो वो दोस्तों ये ख़राब हो जाता है, ये देख रहे हो, ये लाइन, ये जो लाइन है इसके अंदर से कूलेंट चलता है, ये देख रहे हो कूलेंट का पाइप है, ये इनके अंदर कूलेंट चलता है, अगर ये लाइनें कट जाती हैं ना, ये लाइनें अगर कट जाती हैं आपस में से, बीच में कट जाए, ये आपस में मिक्स हो जाए, तो ये धुएं के रास्ते पानी बाहर निकल जाते हैं। ये पूरा कंप्लीट EGR कूलर इसको बोल देते हैं, ठीक है, इसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये रिप्लेस हो जाता है, एयर फिल्टर खुला हुआ है, एंड ये छोटी छोटी फिटिंग्स जो हैं, ये देखिए ये उसका पाइप है टर्बो का, ठीक है, एंड एक एक करके अलग अलग हिस्सों में इसको खोलना पड़ता है, ठीक है, और इसकी माउंटिंग है नीचे वाली ये भी खोलना पड़ता है। एंड मैं अभी आपको सीधा नए टर्बो पे चलते हैं, नया टर्बो दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है उसकी, नया कैसा होता है एक्चुअली, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे हाँ इशू इसके अंदर था। तो ये सब तो मैंने दिखा दिया, अभी नया टर्बो हम चलते हैं देखते हैं। और दूसरी चीज़ क्या नाम है, जब अभी क्योंकि टर्बो इतना आसान काम नहीं है फिट करना, कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं मिनिमम, फिटिंग बहुत ही थोड़ा सा वो है, मतलब कंजस्टेड, मतलब बहुत कम ही हाथ चलता है, एक बोल्ट खोलने के लिए ना पीछे से कम 2 से 4 मिनट या 10 मिनट भी खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद टर्बो भी दिखाऊंगा लगा हुआ नया, ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, नया टर्बो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लड़के जो है ना हमारे बहुत तेज़ी से काम करते हैं,
टर्बो इसमें लगा रखा है और मैं स्टोर में सब जगह ढूंढ के आ गया, अभी बस वापस निकलवा रहा हूँ आप सभी के लिए। अभी मैं दिखाऊंगा प्रोपेलर शाफ्ट भी सारा प्रॉपर है ना, तो अभी बाहर ले लेते हैं इसको। आसान काम नहीं है यार, टर्बो को बदलना बहुत ही मतलब बहुत कैड़ा काम है। बस तो नीचे से निकलता है गाड़ी को, ऊपर उठा लिया, अभी यहाँ से निकलेगा साइड में से, नीचे वाली माउंटिंग खोल लेनी है ना, एंड इंजन आगे पीछे होता रहेगा। थोड़ा सा मैं भी धकेल देता हूँ। तो ये लो, ये टर्बो नीचे आ गया आप सभी के लिए बड़ी मशक्कत करने के बाद, ठीक है। तो ये पुराना वाला तो आपने देख ही लिया, ठीक है, इसमें कमियां आपको दिखाई दी मैंने। अभी ये देखिए नया है एकदम, प्रोपेलर शाफ्ट जो है इसके अंदर जो है वो बढ़िया से दिख रही है, ठीक है। एंड ये लीकेज भी नहीं है एक्चुअली, ये तो बहुत बुरी तरह लीकेज भी हो रहा था इसमें, देखिए ऑयल है ना, ऑयल आया हुआ है। पूरा अंदर टॉर्च मत दिखा। एंड अभी पुली की बात करते हैं, ये देखिए इसकी पुली, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट घूम रही है, मतलब नया है टर्बो। बस आपको मैं फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी प्ले नहीं है, प्ले होता ही नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ इधर ये पाइप है, ये तो उसमें लगी जाएगा, ये रिपेयर भी हो जाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, बट सही तरीके से रिपेयर हो तो बेस्ट है। अभी मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। बेटा यहाँ से पकड़ लियो ऊपर, ये मैं इसको हिला रहा हूँ ना, देखो बिल्कुल भी प्ले नहीं है। एंड ये इस तरफ से ऐसे घूमती है, ठीक है। तो ये टर्बो में मुझे डाउट लगा, क्योंकि गाड़ी 3000 से ऊपर आरपीएम नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने टर्बो को बदला। एंड ये बदल जाएगा, अभी लगा देंगे। और अगर वीडियो मतलब गाड़ी आज कंप्लीट हो गई तो आज के आज इस ये कंप्लीट वीडियो आ जाएगी, नहीं तो अलग से एक और वीडियो दे दूंगा कि पहले ये इशू था, ठीक है। एंड अभी इसको देखो, इसमें इधर से इतना प्ले है, ठीक है। एंड ये देखो, अब देखो कैसे हिल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है यार टर्बो, ये देख लो क्या हो रहा है। तो ये इसका भी मेन रीज़न है, ठीक है, ये देखो इसमें कहाँ हिल रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी टर्बो रिप्लेस करवा दे रहा हूँ, फिर चेक करते हैं दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करके। बेटा कर दे कंप्लीट, ठीक है, चलो